सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, टर्म टू एग्जाम में अब बहुत 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 कम समय बचा हुआ है, और स्पेशली अगर हम अपने क्लास 10 के फर्स्ट पेपर की बात करें जो कि है इंग्लिश। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश कंडक्ट होने वाला है, इसमें तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और गाइज, इसी वजह से आज सुबह मैंने आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश पेपर का आपको एक वीडियो दिया था, जिसमें कि ऑफिशियल मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, किसमें किसमें टाइप से लिखने से आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो सारा चीज मैंने एक्सप्लेन किया था। और अभी ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप मांग रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो सब कुछ दे दीजिएगा, तो ये वीडियो सेशन सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है बच्चों आप लोगों की मेहनत के लिए, आप लोगों के हाई से हाईएस्ट स्कोर 40 आउट ऑफ 40 के लिए। तो गाइस, बहुत सारे बच्चे सवाल बोलते हैं, सर अभी भी लगातार मेरे पास में एक सवाल आ रहा है कि सर इंग्लिश में अब इतना कम समय बचा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 98% सिर्फ 2-4 दिनों में? सर पॉसिबल है। सर ये सुनने में, साउंड करने पे आपको अजीब लगेगा, लेकिन यस, इट्स एब्सोल्युटली डेफिनेटली इट्स पॉसिबल कि आप 98% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 40 आउट ऑफ 40, 100% स्कोर कर सकते हो सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी से चलना होगा, आपको एक सिस्टम से चलना होगा। अभी आप जहां तहां हाथ पैर मारोगे और आप सोचोगे कि आप नंबर स्कोर कर लोगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से गाइज, आप लोगों के लिए ये जो मैंने सुबह वीडियो आप लोगों के लिए दिया था, इसको देखना आपको लिए बहुत कंपलसरी है। तो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को आप तुरंत से जाकर के चैनल पे जाओ और इस वीडियो को देखो, बिकॉज यहां मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में बताया था कि जो सीबीएसई का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है इंग्लिश पेपर क्लास 10 को लेकर के वो क्या है, क्योंकि वो सिर्फ ये वीडियो या ये जो ऑफिशियल सैंपल मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने लॉन्च किया वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, कॉपी चेकर्स के लिए भी था। कॉपी चेकर कहां कहां आपके मार्क्स कटेंगे क्या आपको पता है? कैसा आंसर लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा पता है? अगर जानना चाहते हो तो इसको देख लेना, ठीक है? अब हम जल्दी से आते हैं गाइस आज के बहुत ही यूजफुल सेशन में, जिसमें कि आपका जो डिमांड था वो मैं आपको देने वाला हूं, और वो है बच्चों आपका क्लास 10 टर्म 2 बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डेडिकेटेड मैं आपको ये पीडीएफ आपको दूंगा, आपको ये पूरे क्वेश्चंस दूंगा जो आप लगातार मुझसे डिमांड कर रहे थे। और मैं बहुत सारे, क्योंकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट के मैं आपको नोट्स दे रहा हूं तो टाइम नहीं हो पा रहा था बच्चों, सॉरी फॉर दैट। और कल तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, सो इश्यूज हुए। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं बच्चों। आपका ये 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं, कहां से हैं, मैं आपको ये अभी इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जल्दी से चलो और देखो आपका पेपर पहले कैसा रहेगा, इसको जल्दी से आप समझ लीजिए। तो यहां पर एज पर ऑफिशियल सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने निकाला था, इंग्लिश जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए, बी एंड सी, ठीक है? सेक्शन ए जो है बच्चों वो है रीडिंग सेक्शन, जिसमें कि 10 मार्क्स आपके अलॉटेड हैं। सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है, जिसमें कि आपके 10 आएंगे। और जैसा कि आपको पता है सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट है, जिसमें आपका 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन को वो होल्ड करता है। सो मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंस है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर सेक्शन सी में 20 नंबर आ रहा है, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सब अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है और आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको इसके सारे चीजें दूंगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर जो इंक्वायरी वाला लेटर है वो आप बता दीजिएगा, ऑर्डर वाले लेटर का फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट क्या है वो बता दीजिएगा। मैंने सब वीडियो दिया हुआ है, आप बोलोगे मैं फिर से ये सारे वीडियोस दे दूंगा, और हर चैप्टर वाइज भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मेंटी क्विज अब आपका आने वाला है, सो डेट कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाए, ठीक है? सो बस आप पढ़ते जाओ, स्कोर करते जाओ, और प्राउड से अपने मम्मी पापा का और हम सब का नाम को रोशन करो, ठीक है? तो यहां पे जल्दी से हम आते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट की तरफ, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहां पर आपके सामने में दिख रहे हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नोस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में जो बुजुर्ग थे वो किस चीज को लेकर के नोस्टैल्जिक हो रहे थे? तो आंसर यहां पे देखो दिया हुआ है आपका, आंसर भी मैंने इस बार आपको प्रोवाइड करा दिया है। द एल्डर्स इन गोवा आर नोस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड देयर लव ऑफ ब्रेड एंड लोव्स। तो जो बुजुर्ग थे गोवा में वो इस चीज को लेकर के उनको बहुत ज्यादा एक अंदर से उनको बहुत एक क्या बोलते हैं अटैचमेंट जो था वो हो रहा था, क्योंकि वो पुराने जो पुर्तगीज देन थे उनको वो याद कर रहे थे, और साथ ही साथ में जो ब्रेड और लोव्स के जो उनके प्रति प्यार था ना उसको वो याद कर रहे थे। द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ द लोव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर स्टिल एग्जिस्ट। और इसी बात पे राइटर कहते हैं कि जो भले ही ईटर्स जो लोव्स के थे, लोव्स ठीक है, उसके ईटर्स भले ही
चले गए, लेकिन मेकर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और अब सेकेंड चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर है, हाउ डू वी गेट टू नो दैट द मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट। आपको कैसे पता चलता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको कैसे पता चलता है कि जो ब्रेड के मेकर्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी भी हैं, वो खत्म नहीं हुए। तो यहां पे देखो आंसर क्या है, द नरेटर स्टेट्स दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। नरेटर क्या कहते हैं कि भाई ईटर्स जो थे लोव्स के, जो लोव्स के जो खाने वाले जो थे वो भले ही वैनिश हो गए, गायब हो गए, चले गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो बनाने वाले थे वो अभी भी हैं। दे से दैट दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। नरेटर का कहना था कि भाई वो जो पुराना जमाने का जो भट्टा होता था ना, फर्नेसेस, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर का जो फायर था इन द फर्नेसेस वो अभी भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसकी आग बुझी नहीं है। तो इस बात से ये कहना चाहते हैं कि भाई मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखो जल्दी से। हु इन्वाइट्स द कमेंट, ही इज ड्रेस्ड लाइक पेडर, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो यहां यस, इसका क्वेश्चन आपको जो पूछा उसका आंसर, एनी पर्सन हु इज वियरिंग अ हाफ पेंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स दिस कमेंट। कोई भी व्यक्ति जो पहनता है हाफ पेंट जो पहुंचता है जस्ट बिलो द नीज, ठीक घुटने के थोड़ा सा नीचे, उसके लिए ये कमेंट है। दिस इज बिकॉज द बेकर, क्योंकि जो बेकर थे वो जाने जाते हैं स्पैडर के रूप में, यूज टू ड्रेस लाइक दैट, क्योंकि वो उसी तरह के कपड़े पहनते थे, राइट, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से फिर आप आगे जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पुर्तगीज डेज। यहां देखो आपको दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, पहला कि पुर्तगीज डेज में बेकर कैसा कपड़ा पहनते थे, और दूसरा व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग था तब। तो यहां दो बार में आपको आंसर देना है, ये है पहला का आंसर, द बेकर्स वियर यूजुअली ड्रेस अप इन अ पिक्यूलियर ड्रेस, अजीब टाइप का ड्रेस पहनते थे जो कहलाता था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, जो एक सिंगल पीस ड्रेस था जो फ्रॉक की तरह था और नीज तक जाता था, ठीक है, नीज तक, घुटनों तक। सेकंड का आंसर जो आपका क्वेश्चन था कि किस तरह के बेकर्स कपड़े पहनते थे जब ऑथर यंग था, तो जब ऑथर यंग था तो लेखक ने देखा था बेकर्स को शर्ट पहनते हुए और ट्राउजर्स पहनते हुए विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो फुल लेंथ वंस से थोड़े छोटे होते थे, एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट से थोड़े लंबे हुआ करते थे, मतलब फुल पैंट से थोड़ा कम हो और जो हाफ पैंट का हो जो लंबाई होती है घुटनों तक उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं, द सर्मन एट बनारस, ठीक है। तो यहां पे आपको पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉज गौतम बुद्धा, वेन एंड वेयर वॉज ही बॉर्न। तो गौतम बुद्धा कौन थे, गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस हु वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा बाय हिज पेरेंट्स, जिनको उनके माता पिता के द्वारा नाम दिया गया था गौतमा, सिद्धार्थ गौतमा, ठीक है, उनको ये नाम दिया गया था सिद्धार्थ गौतम, और ही वॉज बॉर्न इन 563 BC, वो नॉर्थ इंडिया में 563 BC में वो उनका जन्म हुआ था। ही हैड बीन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनको बचा के रखा गया था जो सफरिंग्स थे दुनिया के, जो पूरे मतलब दुनिया में जो फैली हुई दुख तकलीफें थी उससे उनको हाइड करके रखा गया था, ठीक है। सो गाइज यहां पे आई होप कि चैप्टर आपको क्लियर है, ये आप लोग मुझे बताना कि आपको चैप्टर क्लियर है कि नहीं है। और यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर सब्जेक्ट के जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, हर वीडियो के PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे PDFs हैं, लेकिन पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद में PDF जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, आई एम गिविंग यू दिस थिंग एज वेल, ठीक है। सो यहां पे देखिए कि भाई सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, प्रिंस सिद्धार्थ ने पैलेस को क्यों छोड़ दिया था, लीव कर दिया था, और वो एक मॉन्क, एक संत, एक साधु क्यों बन गए थे। तो वाइल गोइंग आउट, जब वो एक बार वो शिकार के लिए निकले थे प्रिंस सिद्धार्थ, तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, सिक मैन, एन एजेड मैन, एक बुजुर्ग को देखा, एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, पहले एक बीमार देखा, देन बुजुर्ग को देखा, और फिर मरा हुआ को देखा, मतलब एक तरह से उन्होंने तीन समय को देखा, है ना। देन ही सॉ अ बेगर, और फिर उन्होंने एक भिखारी को देखा जो दान मांग रहा था, दीज साइट्स मॉर्न्ड हिम वेरी मच, इस चीज ने उनको व्यथित कर दिया, दुखी कर दिया अंदर से, ही रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज,
तब उनको महसूस हुआ कि भाई जो ये दुनिया है ना, ये दर्द से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, तकलीफ से भरी हुई है। ही दस टर्न इन टू अ मॉन्क, और इस तरह से वो उन्होंने राजवाद जात पात सब त्याग कर दिया और वो एक साधु के जीवन में चले गए। ठीक है, सो दिस वॉज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, यहां पे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ सर्मन, उपदेश किसे कहते हैं, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और ए टॉक, ये एक लेक्चर से या एक नॉर्मल बातचीत से अलग कैसे होता है। पहला बात देखो, सर्मन क्या होता है, सर्मन जो बोला जाता है वो किसी रिलीजियस या एक मॉरल सब्जेक्ट पे बोला जाता है, किसी नैतिक वाले बात पे ही इस चीज को बोला जाता है और दूसरे चीजों पे नहीं बोला जाता है। इट इज अ सीरियस टॉक, ये एक गंभीर बात होती है, उपदेश नेचुरल है ना, उपदेश तो गंभीर बात ही होगी। और ये जो डिफरेंट होता है लेक्चर से या बातचीत से, क्यों, लेक्चर आप जब उपदेश देते, मतलब एक टॉपिक पे आप लेक्चर देते हो या किसी से बात करते हो तो आप किसी टॉपिक पे भी बात कर सकते हो, है ना, तो वही चीज यहां कह रहा है, इट इज बिकॉज अ लेक्चर और टॉक कैन बी ऑन एनीथिंग, अ सर्मन हैज टू बी ऑन रिलीजन और अ मॉरल सब्जेक्ट, लेकिन एक सर्मन जो होता है, उपदेश जो होता है, उसको कंफर्म रूप से होना ही पड़ता है ये सब रिलीजन पे या मॉरल सब्जेक्ट पे। ठीक है, सो गाइज यहां पे ये है क्वेश्चंस, देखो यहां पे मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसका ख्याल रख रहा हूं, लेकिन अगर आप बोलोगे अभी तो यहां बहुत सारे चैप्टर्स, दो नंबर वाला क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो जितने आपके चैप्टर्स हैं, दो नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सब कवर कर दिया इसमें, इसको जल्दी से पढ़ो, पूरा पढ़ो, चाहो तो एक प्रिंट निकालो, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ, मैं आपको अगर जरूरत होगा तो मैं इंपॉर्टेंट हर चैप्टर का वीडियो भी बना दूंगा तुरंत में। ऐसे ऐसे चैप्टर बनेंगे ना जो आप देखोगे तो आप खुश हो जाओगे कि यार यहां पे सब कुछ मिल गया। देखो यहां पे फिर एक नेक्स्ट चैप्टर है द प्रपोजल, ये एक प्ले है ना, यहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है यहां पे, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो यहां आगे जा रहे हैं हम, और यहां एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया जो मैं कलर नहीं हुआ, ये पता नहीं कैसे मैंने हर चैप्टर को कलर किया था, यहाँ पोएम अमांडा जो है ये है, इसको अगर आप बोलोगे तो मैं एक चैप्टर एक वीडियो बना दूंगा, मैं आपको काफ़ी वीडियोस दे चुका हूँ सब्जेक्ट नोट्स के, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसी तरह से करके यहाँ पे सारा चीज़, सारे चैप्टर्स देखो भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, दो दो नंबर वाले जितने क्वेश्चंस हैं मैंने आपको सब दे दिया, और यहाँ पे आप लोग जो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मैडम राइड्स द बस, इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, तो इसको जल्दी से देखो, और एकदम मैं एक बात बोलूँ कि यार प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यह हमारे कुछ चैनल्स हैं, ठीक है, विशाल कुमार जायसवाल, इसको आप पहचान ही रहे हो, ये तो आपके लिए विजिबल है, फॉर स्टडीज, इंग्लिश विद मी, अगर आप इंग्लिश से प्यार करते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो आ जाओ, इंग्लिश फ्लाइंग स्काई, मेरे फैमिली से आप अपने परिवार को जोड़ना चाहते हो, खुद जुड़ना चाहते हो तो व्लॉगिंग चैनल से हमसे जुड़ जाओ, और फैक्ट्स एंड विशाल से भी जुड़ जाओ, और वैसे एक और व्लॉगिंग चैनल है हमारा विशाल कुमार जायसवाल व्लॉग्स, तो आ जाओ मेरे पास में, मिलके हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। और गाइज एक बार मैं फिर से बता दूं कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है, अभी देखो ये जो मैंने वीडियो दिया इसको आप लोग जल्दी से एक बार देख लेना पहले, ठीक है, और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड एट द एंड मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको अगर ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, बिल्कुल अचीवेबल है, लेकिन मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, और आप देखोगे किस तरह से हम कवर करते हैं। ठीक है, सो आई नो आप मुझे सपोर्ट जरूर करोगे, खुद का सपोर्ट जरूर करोगे, तो स्ट्रैटेजी यही है कि स्ट्रैटेजी पे हमें काम करना है, ब्लूप्रिंट को देखना नहीं भूलना, आप अपने जो मार्किंग स्कीम है उसको देखना नहीं भूलना, हर सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपको दे दिया है, जल्दी जल्दी लेते जाओ और पढ़ते जाओ, कंफ्यूजन हो तो मुझे लिखना कमेंट सेक्शन में, प्लीज यार जहां भी हो, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, इन वीडियोस को शेयर करो, ये आपका प्यार है जो मेरे लिए है, मेरी टीम के प्रति है, और ये हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज बने रहो मेरे साथ में, एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज फ्रॉम माय साइड, जय हिंद जय भारत।